गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कैनवस बनाने वाले हैं। तो हमें इंग्रेडिएंट्स में ग्लू, मैंने यहाँ पे दो टाइप के लिए हैं, प्लाई, कार्डबोर्ड, जो भी आपको साइज लगे, शार्प सीजर्स और बुकरम। ये एक क्लोथ मटेरियल है जिसे हम एज अ कैनवस यूज करने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। मैं अब अपने प्लाई के हिसाब से ना इसका मेजर लेने वाली हूँ। एंड व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं आधा इंच हर तरफ छूने वाली हूँ। उससे क्या होगा, ये मुझे बैक साइड में पेस्ट करने में बहुत आसानी रहेगी और उससे मेरे को बहुत ही अच्छा एक फिनिशिंग मिलेगा फ्रंट साइड में। तो गाइज, अब मैं इसको बुकरम को पेस्ट करने वाली हूँ अपने कार्डबोर्ड के साथ। यहाँ मैं दो फेविकॉल और एक क्राफ्ट ग्लू यूज करने वाली हूँ। क्राफ्ट ग्लू बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बट काफी थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे नॉर्मल फेविकॉल जो है उसको मैं दोनों को मिक्स कर लेती हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको पेस्ट करते जाती हूँ। ऐसे करने से क्या होता है कि नीचे का जो ग्लू होता है ना, वो सूखता नहीं है और हमारा फिर वो थोड़ा हेजी हेजी सा नहीं होता, फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। अब मेरे साइड में जो एक्स्ट्रा बुकरम रह चुका है, मैं उसे कट करने वाली हूँ और जो एक्स्ट्रा एजेस हैं, उसको मैं पेस्ट करने वाली हूँ क्राफ्ट ग्लू और वो ग्लू मिलाकर। तो मैंने अब इसको सारा पेस्ट कर दिया पीछे से, तो आप ये देख सकते हैं कैसे पेस्ट हो गया है। अब मैं इसको रेस्ट करने दूंगी 12 घंटों के लिए। सो गाइस, मेरा ये कैनवस, राउंड शेप का कैनवस बन चुका है, DIY, होममेड, एंड इट कॉस्ट मी ओनली रुपीज लाइक अराउंड 5 to 10 rupees। ये कार्डबोर्ड मैंने केक का लिया था और अगर आप चाहे आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।